यस डैडी। तो चलिए आगे, नेक्स्ट पॉइंट अपना होगा मदिरा। मदिरा लो, मदिरा सही वाला पहनते हो ना? मदिरा में वो, मदिरा में एथिल अल्कोहल, मदिरा या इसका दूसरा नाम है शराब। शराब या मदिरा, इसमें लिखो मदिरा में एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, और इसका कोष्टक में सूत्र भी लिख लेना C2H5OH। मदिरा में एथिल अल्कोहल C2H5OH क्या है इसका सूत्र है, नामक पदार्थ पाया जाता है, नामक पदार्थ पाया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग आए मदिरा सेवन से, मदिरा सेवन से मानव स्वास्थ्य पर, मदिरा सेवन से मानव स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्प्रभाव। मदिरा सेवन से मानव स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्प्रभाव, इसमें पहला दुष्प्रभाव लिखो मदिरा के दुष्प्रभाव में, पहला लिखे मदिरा सेवन से, मदिरा सेवन से अल्कोहल, अल्कोहल रक्त प्रवाह द्वारा, अल्कोहल रक्त प्रवाह द्वारा यकृत में पहुंचता है, रक्त प्रवाह द्वारा यकृत में पहुंचता है, अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में उपस्थित अल्कोहल को यकृत, अधिक मात्रा में उपस्थित अल्कोहल को यकृत एसीटैल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड में बदल देता है, एसीटैल्डिहाइड में बदल देता है जो एक विषैला पदार्थ है। एसीटैल्डिहाइड में बदल देता है जो एक विषैला पदार्थ है। दूसरा दुष्प्रभाव लिखिए अल्कोहल के प्रभाव से, अल्कोहल के प्रभाव से व्यक्ति का सामंजस्य व नियंत्रण, अल्कोहल के प्रभाव से व्यक्ति का सामंजस्य व नियंत्रण कमजोर हो जाता है। सामंजस्य व नियंत्रण कमजोर हो जाता है।
जिससे कार्य क्षमता कम होती है, जिससे कार्य क्षमता कम होती है। तीसरा दुष्प्रभाव को अल्कोहल से स्मरण क्षमता में कमी आती है, याददाश्त की। अल्कोहल से स्मरण क्षमता, याद रखने की क्षमता, स्मरण क्षमता में कमी आती है। नेक्स्ट देखिए अगला दुष्प्रभाव अल्कोहल के प्रभाव से वसीय यकृत रोग, अंडरलाइन कर लेना इसको। अल्कोहल के प्रभाव से वसीय यकृत रोग हो जाता है। अफीम के बारे में बात करेंगे, इसका पहले वैज्ञानिक या वानस्पतिक नाम लिखे। अफीम जो है, अफीम का वैज्ञानिक या क्या कह सकते हो आप इसको, वानस्पतिक, वैज्ञानिक या वानस्पतिक नाम इसका है पेपेवर सोमनिफेरम। अफिमिया इसका वैज्ञानिक या वानस्पतिक नाम है पेपेवर सोमनिफेरम। नेक्स्ट लाइन में लिखिए अफिम, अफिम पादप के कच्चे फल के दूध से प्राप्त किया जाता है। अफिम पादप के कच्चे फल के दूध से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद में लिखें अफीम में मुख्य रूप से मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन निकोटीन आदि एल्केलॉइड पाए जाते हैं, आदि एल्केलॉइड पाए जाते हैं। मॉर्फिन व कोडीन का उपयोग
मार्फिनवेयर कोडीन का उपयोग दर्द निवारक दवा में किया जाता है। दर्द निवारक मार्फिनवेयर कोडीन का उपयोग दर्द निवारक दवा में किया जाता है, यानी दर्द को दूर करने वाली दवाई बनाने में मार्फिन का और किसका कोडीन का उपयोग किया जाता है। तो ये अन्य नशीले पदार्थों में कौन सा हो गया? अफीम। नशीले पदार्थों में आपके देखो कौन कौन से हो गए अलग अलग। पहला तो कौन सा था? गुटखा हो गया। दूसरा तंबाकू हो गया। तीसरा मदिरा हो गया। और चौथा कौन सा हो गया? अफीम हो गया। इनके दुष्प्रभाव ध्यान में रखने हैं। एक तो तंबाकू का वानस्पतिक नाम, एक अफीम का वानस्पतिक नाम है, दोनों का वानस्पतिक नाम है, एक गुटखा है और एक मदिरा है। तो गुटखा के सेवन से होने वाला रोग आपको बताया था। गुटखा का जो सेवन करते हैं उससे कौन सा रोग होता है? सब म्यूकस फाइब्रोसिस। और सब म्यूकस फाइब्रोसिस में जो जबड़ा है व्यक्ति का वो पूरा खुलता नहीं है। और जो मदिरा है इसका सेवन करने से कौन सा रोग हो जाता है? वासीय यकृत रोग हो जाता है। यकृत में एसिटाल्डिहाइड बनता है जो एक विषैला पदार्थ होता है और इससे व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अफीम है, इसके अंदर मुख्य रूप से मार्फिन है, कोडीन है, निकोटीन है, सोमनिफेरम, इस प्रकार के नशीले पदार्थ पाए जाते हैं, एल्कलॉइड पाए जाते हैं। और मार्फिन का और कोडीन का मुख्य रूप से दर्द निवारक दवाओं में इसका उपयोग किया जाता है। अन्य नशीले पदार्थ है अन्य नशीले पदार्थ अन्य नशीले पदार्थों में लिखे आप नीचे कोकीन लिख लो, इनका नाम लिख लो भाई, और कौन कौन से हो सकते हैं? कोकीन है, भांग है, गांजा है, हसीस है, एलएसडी, और इसके पौष्टिक में पूरा नाम लिख लेना लाइसर्जिक डाइथाइलेमाइड। एलएसडी होते हैं लाइसर्जिक डाइथाइल एमाइड, लाइसर्जिक डाइथाइल एमाइड। तो ये अन्य नशीले पदार्थों में है। नेक्स्ट हेडिंग डाले दवाओं का दुरुपयोग। दवाओं का दुरुपयोग देख लिया। नेक्स्ट हेडिंग डाले दवाओं का दुरुपयोग। दवाओं के दुरुपयोग में लिखें नेक्स्ट लाइन में मार्फिन पेथिडीन, मार्फिन है, पेथिडीन है, इसके अलावा ब्यूटिलॉक नॉर्फिन, ब्यूटिनॉर्फिन, ब्यूटिनॉर्फिन आदि का दुरुपयोग, आदि का दुरुपयोग नशे के लिए, आदि का दुरुपयोग नशे के लिए बढ़ा है। पहला तो
किसमें किया जाता है, लोग नशा करने में जो भी दवाएं हैं इनमें मार्फिन है, कोडीन है, मेथेडीन, ब्यूटिनोमॉर्फिन, इस प्रकार की जो दवाएं हैं इन दवाओं का उपयोग है वो नशे के लिए किया जाने लग गया है, तो इसका दुरुपयोग हो रहा है। दूसरा लिख लो, कई प्रजातियों में, कई प्रजातियों में बच्चों को सुलाने के लिए अफीम का उपयोग किया जाता है। अफीम का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से दवाओं का दुरुपयोग है। नेक्स्ट हेडिंग डाल लिया खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव। खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव, खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव पहला लिखो इसमें, कि खाद्य पदार्थ जो है खाने के काम आने वाले जो सामग्रियां हैं इसमें अगर अन्य पदार्थों की मिलावट कर दी जाती है तो उसके क्या दुष्प्रभाव पड़ेंगे। तो दुष्प्रभाव पहला लिखो, कोल्ड ड्रिंक्स जो ठंडे पेय पदार्थ हैं, कोल्ड ड्रिंक्स कोष्ठक में लिख लें, शीतल पेय पदार्थ कोल्ड ड्रिंक्स कोष्ठक में लिख लो, शीतल पेय पदार्थ में पाए जाने वाले नशीले पदार्थ, नशीले पदार्थ कैंसर, नशीले पदार्थ कैंसर स्नायु, कैंसर स्नायु प्रजनन तंत्र, प्रजनन तंत्र संबंधी बीमारी, प्रजनन तंत्र संबंधी बीमारी और प्रतिरक्षा तंत्र में, और प्रतिरक्षा तंत्र में खराबी की संभावना बढ़ जाती है, और प्रतिरक्षा तंत्र में खराबी की संभावना बढ़ जाती है, प्रतिरक्षा तंत्र में खराबी की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट दूसरा दुष्प्रभाव लिखें खाद्य पदार्थों में मिलावट का, कोल्ड ड्रिंक्स के निर्माण के समय, कोल्ड ड्रिंक्स के निर्माण के समय फास्फोरिक अम्ल डाला जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स के निर्माण के समय फास्फोरिक अम्ल डाला जाता है, जो दांतों पर सीधा प्रभाव डालता है, जो दांतों पर सीधा प्रभाव डालता है
इसमें लोहे को गलाने तक की क्षमता होती है, इसमें लोहे को गलाने तक की क्षमता होती है। तो ये भाष्पोरी कमल का है कि जो शीतल पेय पदार्थ है, ठंडे पदार्थ, इनमें भाष्पोरी कमल डाला जाता है और ये भाष्पोरिक जो अम्ल है ये दांतों को गला देता है। नेक्स्ट लाइन पे लिखें, शीतल पेय पदार्थों में, शीतल पेय पदार्थों में एथिलीन ग्लाइकोल नामक एथिलीन ग्लाइकोल नामक रसायन डाला जाता है। एथिलीन ग्लाइकोल नामक रसायन डाला जाता है जो पानी को एथिलीन ग्लाइकोल नामक रसायन डाला जाता है जो पानी को 0 डिग्री तक जो पानी को 0 डिग्री तक जमने नहीं देता है, पानी को 0 डिग्री तक जमने नहीं देता है। नेक्स्ट में कोल्ड ड्रिंक्स में, कोल्ड ड्रिंक्स में 0.4 ppm सीसा डाला जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स में 0.4 ppm सीसा डाला जाता है जो स्नायु मस्तिष्क के यकृत गुर्दा वर्ग जिसको कहते हैं, यकृत गुर्दा वह मांसपेशियों को, वह मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाता है। अगली लाइन में लिखें, अगला दुष्प्रभाव खाद्य पदार्थ में मिलावट का। कोल्ड ड्रिंक्स में मिली कैफीन, कोल्ड ड्रिंक्स में मिली कैफीन की मात्रा, कोल्ड ड्रिंक्स में मिली कैफीन की मात्रा अनिद्रा और सिर दर्द की समस्या उत्पन्न करती है। अनिद्रा और सिर दर्द, अनिद्रा और सिर दर्द की समस्या उत्पन्न करती है। अनिद्रा और सिर दर्द की समस्या उत्पन्न करती है। तो ये खाद्य पदार्थों में मिलावट का दुष्प्रभाव है। ये आपका चैप्टर पहला कंप्लीट है। पहले चैप्टर में एक भोजन और मानव स्वास्थ्य पुनः देख लेंगे, हल्का हल्का क्या पढ़ा था। पहला जो पार्ट है ये संबंधित है हमारा भोजन और मानव स्वास्थ्य से।
पहले हमने इसमें एक बात कर ली किसी संतुलित भोजन की, हर किस किस्म की देख लो क्या क्या करना है आपको। पहले हमने बात किसकी कर ली है, संतुलित भोजन किसे कहते हैं इसकी परिभाषा आपको देखनी है। इसके बाद में हमने बात किसकी की थी, असंतुलित भोजन की, किसकी बात की थी असंतुलित भोजन की। एक किसके बारे में पढ़ा है, कुपोषण के बारे में, किसके बारे में पढ़ा है कुपोषण के बारे में, कुपोषण की परिभाषा, कुपोषण कितने प्रकार का पढ़ लिया है, तीन प्रकार का। एक कौन सा था, प्रोटीन कुपोषण था, एक कौन सा था विटामिन कुपोषण था, और एक कौन सा था खनिज लवण कुपोषण था। तीनों प्रकार के कुपोषणों के बारे में पढ़ लिया है। इसमें ज्यादातर आपके मुख्य रूप से दो रोग बताए थे मैंने, एक तो कौन सा था क्वासियोरकोर, और एक कौन सा था मैरेस्मस। एक रोग कौन सा था मैरेस्मस। ये दोनों रोग आपको ध्यान में रखने हैं, जो किसकी वजह से होते हैं, प्रोटीन के कुपोषण की वजह से होते हैं। विटामिन में हमने क्या पढ़ा था, एक तो विटामिन का नाम, एक विटामिन का रासायनिक नाम, और इसके साथ विटामिन की शरीर में कमी से होने वाला रोग, और एक उस रोग के क्या पढ़े थे हमने लक्षण पढ़े थे। तो इसके अलग से टेबल बनवा दी, फूड टेबल आपको क्या करनी है कंप्लीट याद करनी है। विटामिन का नाम याद होना चाहिए, उसका रासायनिक नाम याद होना चाहिए, और शरीर में विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, उसकी कमी से होने वाले रोग का नाम याद होना चाहिए, और जो मुख्य रोग जैसे बेरीबेरी था, रतौंधी था, स्कर्वी था, ये जो मुख्य रोग थे इनके आपको क्या याद रखने हैं, लक्षण भी याद रखने हैं। खनिज लवण को पोषण में सोडियम था, पोटेशियम था, और एक लोहे के बारे में हमने जिक्र किया था, कैल्शियम के बारे में जिक्र किया था, फास्फोरस के बारे में जिक्र किया था। तो एक खनिज लवण, लवण जो कुपोषण है, इन खनिज लवण कुपोषणों में खनिज लवण या में खाद्य पदार्थ में भोजन में किस प्रकार का भोजन करने से, किस प्रकार का पदार्थ का सेवन करने से प्राप्त होते हैं खाने से, और इनकी कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है, इनके बारे में आपको देखना है। तीन चीजें तो ये हो गई। इसके बाद में पीने योग्य जल के गुण आपके हो गए हैं, पीने योग्य जल के गुण क्या है, और एक जल की कमी के लिए मानव को जो उत्तरदायी माना गया है, और इसमें आपको बताया था कि मानव जो है वो इस जल की कमी के लिए द्विधारी तलवार के रूप में क्या करता है, काम करता है। द्विधारी तलवार का मतलब कि जल की हानि के लिए दो धार वाली तलवार की जैसे काम करता है, एक तो उसका क्या करता है उपयोग करता है, और दूसरी तरफ से उसकी कमी के लिए क्या करता है, उसको प्रदूषित करता है, उसको गंदा करता है, उसको दूषित करता है। पीने योग्य जल के गुण आपको याद रखने हैं कि पीने योग्य जल में क्या क्या गुण होने चाहिए। पानी की हानि के लिए, पानी की कमी के लिए मानव जो है वो द्विधारी तलवार की जैसे कैसे उसके ऊपर कार्य करता है, और एक जो प्रदूषित जल है कि जल में अगर कोई भी अवांछित पदार्थ मिल जाता है जो हमारे शरीर के काम का नहीं होता है, उपयोगी नहीं होता है, उसको मतलब क्या कहा जाता है, प्रदूषित जल कहा जाता है। और प्रदूषित जल का सेवन करने से हमारे शरीर में कौन कौन से रोग हो जाते हैं, क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, ये बातें आपको बता दी गई है। तो इसमें विभिन्न प्रकार के रोग भी आपको मैंने बताए थे कि प्रदूषित जल का सेवन करने से मुख्य रूप से हैजा है, पेचिस है, टाइफाइड है, मोतीजरा है ना, इस प्रकार के जो रोग हैं वो मानव में हो जाते हैं। तो प्रदूषित जल का सेवन करने से होने वाले रोगों का नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा हमने बात की थी रुधिर दाब की, या इसका अन्य नाम है रक्तचाप भी कह सकते हो, रुधिर दाब भी कह सकते हो। और तो रुधिर दाब की हमने परिभाषा पढ़ ली है कि रुधिर के द्वारा जो हमारी रक्त वाहिनियां हैं, इन रक्त वाहिनियों पर लगने वाला जो दाब है उसको ही मतलब क्या कहा जाता है, रुधिर दाब कहा जाता है, चाहे रुधिर दाब कह दो या रक्त चाप कह दो। इसके बाद में सबसे पहले जो रुधिर दाब है, इस रुधिर दाब को मापने का काम किसने किया था, सबसे पहले स्टीफन हेल्स ने, किसने मापा था सबसे पहले, घोड़े में मापा था, और किसने मापा था, स्टीफन
हेल्स ने मापा था 1733 में मापा था। और इसे रुधिर दाब की जो परिभाषा है वो कापलन के द्वारा दी गई थी 1983 में। कब दी गई थी? 1983 में दी गई थी। तो ये रुधिर दाब है। और इसके बाद में रुधिर दाब की परिभाषा हो गई। रुधिर दाब का सबसे पहले मापन किसने किया? रुधिर दाब की सबसे पहले परिभाषा है वो किसने दी? ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। रुधिर दाब में आपको मैंने बताया था कि हमारे जो हृदय है, इस हृदय के चार कोष्ठक होते हैं। ऊपर वाले दोनों कोष्ठकों को आलिंद कहेंगे और नीचे वाले दोनों कोष्ठकों को क्या कहेंगे? निलय कहेंगे। निलयों में और आलिंदों में इनमें फैलने और सिकुड़ने की क्षमता पाई जाती है, लेकिन निलयों में आलिंदों के बजाय फैलने और सिकुड़ने की क्षमता क्या होती है? ज्यादा होती है। अब जब ये निलय सिकुड़ते हैं तो निलयों के सिकुड़ने को तो क्या कहा जाता है अंग्रेजी में? सिस्टोलिक कहा जाता है। सिकुड़ते हैं उसको सिस्टोलिक कहते हैं। और निलयों को जो फैलना है, निलयों के फैलने को क्या कहा जाता है? डायस्टोलिक कहा जाता है। दो प्रकार के दाब हैं ये डायस्टोलिक। इसका मतलब फैलना, फैलने का मतलब दूसरा पर्याय क्या बताया था? अनुशिथिलन। फैलने का दूसरा पर्याय क्या बताया था? अनुशिथिलन। सिस्टोलिक का मतलब है सिकुड़ना। और सिकुड़ने का दूसरा पर्याय क्या बताया था मैंने? सिकुड़ना भी कह सकते हो, संकोचन भी कह सकते हो, प्रकुंचन भी इसको कह सकते हो। तो दो प्रकार के दाब जो है हमारी रुधिर वाहिनियों पर लगते हैं। जो हमारी रुधिर वाहिनियां हैं, इन रुधिर वाहिनियों पर कितने प्रकार के दाब लगेंगे? दो प्रकार के। एक तो जब निलय सिकुड़ते हैं उस समय जो दाब लगता है वो तो कौन सा दाब होता है? सिस्टोलिक दाब। और जब निलय फैलते हैं और फैलने के समय जो दाब लगता है वो कौन सा दाब होता है? डायस्टोलिक दाब होता है। तो एक तो सिस्टोलिक दाब होता है, एक कौन सा होता है? डायस्टोलिक दाब होता है। सिस्टोलिक दाब का मान क्या होता है? डायस्टोलिक दाब से ज्यादा होता है। सिस्टोलिक दाब का मान क्या होगा? डायस्टोलिक दाब से सिस्टोलिक दाब का मान क्या होता है? ज्यादा होता है। क्योंकि निलय जब सिकुड़ते हैं उस समय निलयों का आयतन कम होता है। आयतन कम होने से रुधिर अधिक दाब के साथ कहां हमारी रुधिर वाहिनियों में प्रवाहित होता है। रुधिर वाहिनियों में प्रवाहित होने से उनको ज्यादा दाब उनके ऊपर ज्यादा डालता है। तो सिस्टोलिक दाब का मान ज्यादा और डायस्टोलिक का कम होता है। एक आपको सिस्टोलिक बटा डायस्टोलिक रुधिर दाब का मापन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? यंत्र बताया था मैंने, रक्तचाप मापी। रुधिर दाब मापी यानी रुधिर दाब का मापन करने वाला यंत्र रक्तचाप मापी, या दूसरा नाम क्या है? स्थाई गनोमेनोमीटर। स्थाई गनोमेनोमीटर ये रुधिर दाब को या रक्तचाप को मापने वाला क्या है? यंत्र है। अब दो प्रकार के दाब, एक सिस्टोलिक और एक कौन सा था? डायस्टोलिक। सिस्टोलिक बटा डायस्टोलिक बराबर कितना आया था? 120/80। 120/80 mmHg यानी पारे के स्तंभ की ऊंचाई के बराबर। पारे के स्तंभ की ऊंचाई के बराबर। तो निलयों के सिकुड़ने के समय जो रुधिर वाहिनियों पर दाब लगता है उसका मान तो कितना होता है? 120 मिलीमीटर पारे के स्तंभ की ऊंचाई के बराबर या mmHg। और निलयों के फैलने के समय जो रुधिर वाहिनियों पर दाब लगता है उसका मान होता है 80 mmHg, 80 मिलीमीटर पारे के स्तंभ की ऊंचाई के बराबर। तो ये दोनों प्रकार के दाब आपको याद रखने हैं। एक स्वस्थ है, जो मानव है स्वस्थ शरीर का रुधिर दाब कितना होता है? प्रश्न आपको अगर पूछा जाए कि स्वस्थ शरीर का रुधिर दाब कितना होता है तो आपको लिखना है 120/80 mmHg। 120/80 mmHg एक स्वस्थ मानव के शरीर का मतलब क्या होता है? ये रक्त दाब होता है। अलग से अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि निलयों के संकोचन के समय, किसी प्रकार से घुमाकर के प्रश्न पूछा जा सकता है कि निलयों के संकोचन के समय रुधिर वाहिनियों पर लगने वाले दाब का मान बताओ, तो संकोचन के समय तो कितना लगेगा? 120 mmHg। और निलयों के फैलने के समय या उनके प्रकुंचन के समय रुधिर वाहिनियों पर लगने वाले दाब का मान बताओ तो उस समय कितना लगेगा? 80 mmHg। सिस्टोलिक दाब संकोचन के समय होगा और डायस्टोलिक दाब क्या होगा? उनका प्रकुंचन के समय होगा। ये हमारा इसके बारे में पढ़ा था हमने, रुधिर दाब के बारे में पढ़ा था। और इसके बाद में आगे वाले आपके पॉइंट और कौन से थे? नशीले पदार्थ थे। कौन से थे?
नशीले पदार्थ एक रुधिर वाहिनियां पढ़ी थी, कितने प्रकार की रुधिर वाहिनियां पढ़ी थी? तीन प्रकार की रुधिर वाहिनियां कितने प्रकार की पढ़ी थी आपने? तीन प्रकार की। एक तो कौन सी होती है? धमनी। रुधिर वाहिनियां थी ना, एक धमनी पढ़ी, एक कौन सी पढ़ी? सीरा पढ़ी, और एक कौन सी पढ़ी? केशिका। कौन सी पढ़ी है? केशिका। केशिका अलग चीज है और कोशिका अलग है, दोनों अलग अलग है। केशिका और कोशिका केवल इसमें आपकी मात्रा का फर्क है, तो ये नहीं कि भाई दोनों एक ही चीज है। केशिका कैपिलरीज ये अलग है और जो सेल्स है कोशिका वो अलग है। तो तीनों प्रकार की रुधिर वाहिनियों के बारे में हमने पढ़ा था। धमनी है, इन सभी धमनियों में किस प्रकार का रुधिर बहता हमेशा? शुद्ध। सभी धमनियों में किस प्रकार का रुधिर बहता है? शुद्ध। लेकिन एक अपवाद है इसमें, कौन सी? फुफ्फुसीय धमनी। कौन सी धमनी है? जो भी जिक्र करेंगे आगे वाले चैप्टर में, फुफ्फुसीय धमनी में हमेशा अशुद्ध रुधिर बहता है, बाकी शरीर की सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है। और जो धमनियां हैं ये क्या करती है? हृदय से जो नील अपने नीलयों से रुधिर को कोशिकाओं तक ले जाने का काम करती है, यानी धमनियों के द्वारा रक्त है वो हृदय से सारे शरीर में क्या किया जाता है? पंप किया जाता है। और जो सभी सिराएं हैं हमारे शरीर की, उन सभी सिराओं में किस प्रकार का रुधिर प्रवाहित होता है? अशुद्ध। सिराओं में किस प्रकार का रुधिर प्रवाहित होता है? अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। बाकी इसमें एक अपवाद है, वो कौन सा है? फुफ्फुसीय शिरा। कौन सी शिरा है? फुफ्फुसीय शिरा है। और फुफ्फुसीय शिरा में कैसा रुधिर प्रवाहित होता है? शुद्ध रुधिर। फुफ्फुसीय शिरा में कैसा होगा? शुद्ध। बाकी सभी शिराओं में कैसा होगा? अशुद्ध। सभी धमनियों में कैसा रुधिर प्रवाहित होगा? शुद्ध। बाकी फुफ्फुसीय धमनी में कैसा रुधिर प्रवाहित होगा? अशुद्ध। और जो केशिकाएं हैं ये बहुत ही महीन पतले व्यास की नलिकाएं होती है, और ये धमनियों को और जो शिराएं हैं इनको आपस में जोड़ने का क्या करती है? काम है, करती है। तो ये तीनों प्रकार की रुधिर वाहिनियों के बारे में हमने पढ़ लिया था। इसके बाद में हमने कुछ नशीले पदार्थों का जिक्र किया है कि जो नशीले पदार्थ है और इनका सेवन करने से मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। नशीले पदार्थों में एक तो हमने किसका जिक्र किया है? तंबाकू का। एक किसका जिक्र किया है? गुटखा का जिक्र किया है। एक किसका जिक्र किया है आपने? मदिरा का जिक्र किया है। और एक किसका किया है मुख्य रूप से? अफीम का। एक किसका जिक्र किया गया है? अफीम का। तो ये चार प्रकार के हैं, इनमें आपको क्या ध्यान में रखना है? अफीम का और इसका तंबाकू का, इन दोनों का वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम? अफीम का और तंबाकू का वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम? अफीम का वानस्पतिक नाम आपको बताया था मैंने क्या? पेपेवर सोमनीफेरम। पेपेवर सोमनीफेरम, ये तो किसका नाम था? अफीम का वानस्पतिक नाम था। तंबाकू का था निकोटीन टोबेकम। निकोटीन टोबेकम इसका वानस्पतिक नाम या आप इसको वैज्ञानिक नाम कह सकते हैं। तंबाकू का निकोटीन टोबेकम इसका क्या था? वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम था। तंबाकू के अंदर पाए जाने वाला जो नशीला पदार्थ है मुख्य रूप से कौन सा है? निकोटीन है। कौन सा है? निकोटीन है। इसको एल्केलॉइड भी कहते हैं। नशीला पदार्थ है, मुख्य एल्केलॉइड कौन सा है इसमें? निकोटीन है। और ये निकोटीन क्या करता है? जो हमारी धमनियां होती हैं इन धमनियों की दीवारों को मोटा कर देता है। धमनियों की दीवारों को क्या कर देता है? मोटा कर देता है। और धमनियों की दीवारों को मोटा करने से धमनी के बीच का व्यास क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और इस कम व्यास में जब रुधिर बहता है तो वो इन धमनियों की दीवारों पर प्रेशर ज्यादा डालता है, दाब ज्यादा डालता है, जिससे व्यक्ति का क्या बढ़ जाता है? रुधिर दाब बढ़े जाता है। तो ये तंबाकू का दुष्प्रभाव था। अफीम जो है इसका पेपेवर सोमनीफेरम है। तंबाकू है ये सोलेनेसी कुल का है और ये पादप की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। और जो अफीम है ये पादप का जो कच्चा फल होता है, अफीम का पादप होता है, और इस अफीम के पादप के क्या लगता है? कच्चा फल लगता है। कच्चे फल के दूध से, कच्चे फल के दूध से क्या प्राप्त किया जाता है? अफीम प्राप्त किया जाता है। और अफीम के अंदर मुख्य रूप से मॉर्फिन है और कोडीन। मॉर्फिन और कोडीन
कोडीन नामक नशीले पदार्थ पाए जाते हैं, नामक एल्केलॉइड पाए जाते हैं। एक हमने इसके बारे में जिक्र किया है, गुटखा के बारे में। गुटखा में क्या होता है, गुटखा कत्ता है, चूना है, सुपारी के टुकड़े हैं, है ना। इस प्रकार के जो पदार्थ हैं, कुछ रासायनिक अन्य रासायनिक सुगंधित पदार्थ हैं, इन सबको मिला करके क्या बनाया जाता है, गुटखा बनाया जाता है। गुटखा का सेवन करने से इसके रोग का नाम ध्यान में रखेंगे, मुख्य रूप से सब म्यूकस फाइब्रोसिस। कौन सा रोग हो जाता है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस। गुटखा का सेवन करने से कौन सा रोग होता है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग होता है। और इस सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग के लक्षण क्या है कि इस रोग में व्यक्ति का जो जबड़ा है वो ठीक तरह से खुलता नहीं है। मदिरा है, मदिरा का मतलब है शराब, दूसरा नाम क्या है इसका, शराब भी कह सकते हो, मदिरा भी कह सकते हो, इसको अल्कोहल भी कह सकते हो। इसमें मुख्य रूप से जो नशीला पदार्थ पाया जाता है वो कौन होता है, एल्कोहल होता है। एल्कोहल का आपको मैंने सूत्र बताया था, ये याद रखना है, C2H5OH, C2H5OH, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2OH, एथिल एल्कोहल। एल्कोहल का पूरा नाम क्या है, एथिल एल्कोहल है, तो या तो C2H5OH आप लिख सकते हैं, या इसको CH3CH2OH के रूप में लिख सकते हैं। तो ये मदिरा का क्या है, मदिरा में पाया जाने वाला मुख्य रूप से नशीला पदार्थ या एल्केलॉइड एक तरह से कौन सा है, एल्कोहल। कौन है, एथिल एल्कोहल है। और इस एथिल एल्कोहल का सेवन करने से जो यकृत है, ये हमारा यकृत, इस एथिल एल्कोहल को जो ज्यादा मात्रा में एथिल एल्कोहल यकृत में इकट्ठा हो जाता है, इस एथिल एल्कोहल को किसमें बदल देता है, एसीटाइल्डिहाइड में। इसमें बदल देता है, इस पदार्थ का नाम भी आपको याद रखना है, एसीटाइल्डिहाइड में बदल देता है। और ये एसीटाइल्डिहाइड क्या होता है, एक विषैला पदार्थ होता है, जिससे मतलब व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये इसका क्या था, दुष्प्रभाव था। तो इसका रोग आपको ध्यान में रखना है, इसका दुष्प्रभाव रोग कौन सा होता है, इससे वसीय यकृत रोग। मदिरा का सेवन करने से कौन सा रोग हो जाता है, वसीय यकृत रोग जो हो जाता है। इसके अलावा कुछ जो दवाएं हैं, इन दवाओं का उपयोग है वो कई प्रकार के जो रोग है वो नशे के रूप में इनका उपयोग किया करते हैं। तो यह आपका पहला चैप्टर था, जिससे भोजन और मानव स्वास्थ्य के बारे में, भोजन के बारे में, और भोजन हमारे स्वास्थ्य को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो पहला चैप्टर आपका कंप्लीट है।